एक विचित्र गांव की। यहां बच्चे हैं ही नहीं, बस कुछ बड़े निकम्मे, कुछ शरीर से तो कुछ दिमाग से। यहां धोबी है, धोबिन है, नेता है, नेत्री है, नाई है, वाईफाई भी है, मगर किसी को बच्चा नहीं होता। है ना, बड़ा है अजीब ही ये गांव, अपनी धुन में मस्त, आदतों से त्रस्त। अगर यहां किसी को कुछ चाहिए तो वो है बच्चा। और समसामायिक घटनाओं के क्रम में जब उन्हें बच्चा मिलता है तो फिर क्या कुछ होता है, आइए देखते हैं नाटक अब तो अपना लो। तरफ जाओ और वहां पे देखो बच्चा का कोई अपना हो, जा जा। मैं जाता हूं मास्टर जी, तुम जाओ, उसको भूख लगी है, तुम चिंता मत, आप यही रहिएगा। हाँ, कौन सी माँ होगी बच्चे को जो छोड़कर घूमते भर आए हो। अरे मेरे उम्र ही क्या है 55, बच्चे को तो मैं ही रख लेता हूं। मैं देना रे, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। अरे रोज तो देती है, आज क्या हो गया? फालतू खर्चे के लिए मेरे पास कोई पैसा नहीं। ग्राहक तेरे और कपड़े मैं साफ करूं, सारे पैसे मैं कमाऊं
धमकी मत दे निर्मा, और तेरे से ज्यादा ग्राहक है मेरे, और तो और दिन भर के सारे कपड़े जो धोती है उसमें आयरन तो मैं ही करता हूँ, पीऊंगा नहीं तो ये 10 किलो का लोहा कैसे उठाऊंगा? तेरे से मेरा पीना सहन नहीं होता क्या? तेरा पीना मेरा जीना खराब किए हुए है। सुबह से लेके शाम तक वही राघव भट्टी, घर में चिट्ठी बांटोगी क्या? देख निर्मा, बच्चे तो अपने हैं नहीं, तू पैसे बचा के क्या करेगी? और बच्चे होंगे भी कैसे? इस बांझ गांव में बांझपन का श्राप जो पड़ रही है। कोई श्राप अब नहीं, मैंने कहा है तुम लोग से जरूर इस वातावरण में कुछ तो गड़बड़ है, और जिस दिन मेरी खोज पूरी हो जाएगी ना। कब खोज पूरी होगी आपकी? माफ करना डॉक्टर जी, पता नहीं अब पिछले कई सालों से यहाँ पे क्या क्या खोजे जा रहे हैं। कभी मिट्टी पर शोध, कभी हमारे घाट के पानी पर शोध, कभी हवा पर शोध। सुभद्र जी, आप बहुत जल्दी गुस्से में आते हैं जी। देखिए, ये सरकार की योजना मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती। कहते हैं स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, और दूसरी तरफ सिगरेट कंपनी को बढ़ावा देते हैं, और कहते हैं जनसंख्या को सीमित रखो सीमित रखो। जब इस गांव में जनसंख्या सीमित है, हम लोगों को इधर भेजकर जनसंख्या बढ़ाना चाहते हैं। मतलब साफ है डॉक्टर साहब, हम लोगों को इनको अवार्ड देना है पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए, और हमको भी अवार्ड देना है। लेकिन बगले में क्या हो रहा है, रगड़ा खाया जा रहा है। आप तो शोध ही शोध। आइए हमारा, ठीक है चलो चलो। अरे भोज देती है भेज देना, नहीं देगी क्या? अरे किसी से उधार ले लूं? क्यों सस्ते की पाउच भी कर भरना चाहते हो? तो मैं कुछ किसका मुंह देख कर जाऊंगी? अरे कुछ नहीं होगा मास्टर जी। ओ मास्टर जी कहाँ चले गए? अरे उजाला भाई, आप कब आए यहाँ? मैं तो कब से यहाँ हूँ। मास्टर जी को देखा है? नहीं तो, ये तो उनके साइकिल पड़ी है। बड़े अजीब आदमी है, मेरे को मैदान भेज दिया और खुद गायब हो गए। क्या हो सकता है? हाँ मास्टर जी, वाह। अरे कृष्णा, ये मास्टर जी को क्यों बोल रहा है? वो एक काम था। अरे कृष्णा, तेरी तो शादी हुई नहीं? अरे कहीं तू बगल के गांव में जाके उल्टा सीधा तो नहीं करवाया? नहीं तो पूरे गांव को इकट्ठा कर दूंगी। नहीं नहीं, मैं सच सच बताता हूँ भाभी, वो ऐसा था ना, सुबह में मैं सो रहा था यहाँ पे, इतने में आवाज आई, मैंने इधर देखा फिर उधर देखा, फिर रोने की आवाज आई मास्टर जी आए साइकिल से, बोले हमको दे दो, तुम मैदान जाओ, शायद उसका कोई अपना वहां हो, हम चले गए। अच्छा, बच्चे को भूख लगी, मैं क्या करता? हरि भाई को बोला भैया उधार में थोड़ा दूध दे दो, दूध का बोतल भी लिया, पर मल्ले के तो आया, लेकिन तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो? अरे कृष्णा, ये बात किसी और से तो नहीं बताई? अरे नहीं कसम से, मुझे क्या नहीं पता है, यहाँ पे तो बवाल मच जाएगा, यहाँ पे तो सबको एक ही चीज चाहिए, बच्चा। मैं नहीं कह रही थी, भोलेनाथ सपने में आए थे। किसके सपने में? तो मेरे सपने में। भोलेनाथ ने कहा, प्रिय बेटी निर्मा, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हुआ, इसलिए खुश होकर मैं तुम्हारे लिए वरदान छोड़ आया हूँ मंदिर के पास। जाओ जाओ, जल्दी जाके उससे ले लो, वरना कोई और ले जाएगा।
एक सपना था। फिर क्या हुआ? फिर क्या होता? छोटे शंकर क्या वहीं पर खड़े रहते? वो भी लुप्त हो गए। अरे और सवेरे से हम लोग उस महाप्रभु के प्रसाद को ढूंढे जा रहे हैं, ढूंढे जा रहे हैं। लेकिन ढूंढने से क्या होगा? इस कृष्णा ने तो हमारे प्रसाद को उस मास्टर जी के हवाले कर दिया। बच्चा तेरा है। अरे मगर तू ऐसे दहाड़ मार के क्यों रो रही है? अरे कृष्णा, माँ अपने बच्चे के लिए नहीं रोएगी तो क्या वो मास्टर दीनानाथ रोएगा? मेरी आंखों के तारे, देखा वहां चली गई। अरे तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो? उस बुढ़े ब्राह्मण की दसवीं भोज में नहीं जाओगे? बीमार हूं, नहीं जा पाऊंगा। ठीक है, भाभी को जाने दे, तेरा काम तो मैं कर लूंगा और औरतों का काम भाभी कर लेगी। हम यहां से नहीं जाएंगे, बस चले गए तो बच्चा को कोई और ले लेगा। मैं नहीं जाऊंगी। हाँ नहीं जाएगी। क्या बोली भाभी, नहीं जाओगी? हाँ, मुझे भी चक्कर आ गया। जरूर कोई चक्कर है, मुफ्त का खाने को मिल रहा है फिर भी नहीं जा रहे। क्यों नहीं जाओगे? फिर दे मेरा पैसा। कौन सा पैसा? कौन सा पैसा? देख कृष्णा, एडवांस लेने के टाइम में तो निर्मा ने लपक की ले ली थी, अब उस बुढ़े ब्राह्मण की भोज में नहीं जाओगे तो मेरा इज्जत क्या रहेगा? तू बहुत बोलने लगा है, चल अपना पैसा ले और खुद ले यहाँ से। तो देना, निकलती क्यों नहीं? अरे वो साबुन के झाग ऐसे खंभे की तरह खड़े क्यों हो? दे दो उसके 10 रुपए। ये मिनिया क्यों रही हो? अरे मिनिया का नहीं तो क्या, सुबह सुबह तो राघव भट्टी जाके क्या बोला? बच्चा? हाँ बच्चा। अरे कृष्णा, मैंने तेरे से पूछा क्यों तू बड़बड़ा रहा है, वो क्या है? अरे अरे वो क्या? पप्पू बटल, इस गांव में सच सच बता, सच सच बताओ क्यों पप्पू बटल यहां है? नहीं तो सारे गांव वालों को बोल दूंगा। ए हरिया, अरे अरे तुम ऐसा भी तुम लोग सब सच्ची सच्ची बताते हैं। ऐसा सुबह ऐसा हुआ? क्या बोली? भोलेनाथ जी सपने में आए थे। वैसे जगन्नाथ स्वामी रोज मेरे सपने में आते हैं। बोलते हैं बच्चों तेरा नया वाला सलून मेरे हाथ से उद्घाटन करना। ऐसी बातों पे कोई विश्वास करेगा भला? मैं कहीं नहीं जाने वाला हूं, मैं बता देता हूं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं ये बच्चा लेकर ही जाऊंगा। अरे बच्चों, 5 मिनट हुआ नहीं क्या? बोल रहा था 2 मिनट में आ रहा हूं। अरे आज तो पार्टी ऑफिस जाना भाई, चल आज तो दाढ़ी बना दे। अरे बच्चों, चार राम बाबू का काम तमाम करते 2 मिनट में। ए, क्या मतलब? राम भाई, मतलब आप यहाँ से जल्दी जाओगे तो मिनिस्टर जल्दी बनोगे, और आप जल्दी बनोगे तो हमारा दुखर दूर होगा। देख बटो, वार्ड मेंबर का टिकट तो मिलने से रहा, और तू है कि मुझे मिनिस्टर के सपने दिखा रहा है। टिकट तो टिकट है, खरीद लीजिए। अरे जैसे रेलवे का प्लेटफॉर्म टिकट। चुप हो जाओ, फिर भी ले रहा है। देख बटू, संतान के नहीं होने से पार्टी वाले भी
टिकट देने से इनकार कर रहे हैं। अरे राम भाई, तुम संतान की बात करते हो? बिना शादी के लोग यहाँ पर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बन गए, और तुम तो कम से कम शादीशुदा हो। हाँ, बात तो तेरी ठीक है, मगर पार्टी हाईकमान का कहना है कि जो इंसान अपने वंश की वृद्धि न कर सका वो देश में समृद्धि क्या करेगा। ए भट्टू, चल चल दाढ़ी बना। ठाक दाढ़ी है, दाढ़ी हुए तो बनाओ ना। अरे आप ही देख लीजिए। अरे थोड़ा बहुत खूब आया होगा, ठीक से देख। पानी बिगड़ता रहेगा तो क्रीम क्रीम भी लगाएगा। क्रीम क्रीम, पैसा कहाँ से लाऊं? पैसा मांगता हूँ तो आप बोलते हो मिनिस्टर बनोगे तो सैलून खुलवा दोगे। आपका मिनिस्टर बनना मानो जैसे शुक्र ग्रह में कुआं खोदना है, और मेरा सैलून बनना माने जैसे कि चांद से पानी लाना है। हाँ तो ठीक है, साबुन ही लगा दे कम से कम। काम कर रहा हूं, कभी किसी ने कंप्लेंट किया है? आप क्या कभी मंत्री नहीं बन पाओगे? बनूंगा ना, मैं एक दिन मंत्री अवश्य बनूंगा, और जिस दिन मैं मंत्री बनूंगा उस दिन पांच गांव में चारों तरफ खाली और घास होगा। और निर्मा, मैं तो तेरे लिए नई वाशिंग मशीन दिलवाऊंगा। और अरे ये जो खून आज देश की सेवा में लग सकता था उसे बहा दिया पानी में इस बटुक ने। पानी देख बटुक, मुझे पार्टी ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है, तो अब मुझे अपनी साइकिल से बस स्टैंड छोड़ेगा? हाँ बता दे रहा। नहीं, मेरा तो अर्जेंट काम है, मैं नहीं जा सकता। मेरा क्या अर्जेंट काम है बे? उजाला भाई, आप क्यों नहीं चले जाते? इन्हें साइकिल चलाना नहीं आता इसलिए। अच्छा, तुम लोग बहुत चलाक हो, मेरे जाते ही आज्ञा पालोगे। अरे कृष्णा, यहाँ तो तू सोता है, फिर ये बोतल किसके लिए लाया? पता नहीं ये बोतल किसका है, पता नहीं। बता दे किसका। मैं तो कृष्णा से पूछ रहा हूँ, फिर तुम दोनों को पकड़ा रहे हो? अरे राम भाई, अरे राम भाई, वो बटुआ मेरा है, मेरा। अच्छा, संतान सुख मिला नहीं और खरीद के लाए पप्पू बटुआ? राम भाई वो ऐसा है ना, मेरे बकरी ने बच्चा पैदा किया है, उसी के लिए लाया हूँ। वाह, इस क्षेत्र का एकमात्र युवा नेता मैं यानी राम भरोसे। किसी के घर में छोटी सी छोटी भी बात होती है तो मुझे फौरन पता चलती है। फिर तेरी बकरी ने बच्चा दिया और मुझे पता तक न चला। सच सच बताओ, सच सच बताओ, वरना पुलिस को बुलाकर तुम सबको हाजत में बंद करवा दूंगा। राम भाई, हम लोग सच्ची सच्ची बताते हैं, तुम ढिंढोरा मत पीटना। वो सुबह ऐसा हुआ था ना। आज तो पार्टी ऑफिस जाना कैंसिल। अब इस बच्चे को लेकर मैं अपनी पत्नी के पास जाऊंगा। अब
मुझे टिकट भी मिल जाएगी और मंत्री बनने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। बहुत दिनों बाद महाप्रभु ने हमारी सुन ली। अच्छा, महाप्रभु सिर्फ आपके सुनते हैं, हमारे नहीं? देखिए, ये जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी। हमारा फायदा तुम खुद उठाओगे। मैं ही देखती हूँ मेरे बच्चे को मुझसे छीनने का साहस कौन करता है। मेरा बच्चा? हाँ हाँ, अरे उसी का बच्चा। भोलेनाथ सपने में उसको आके खुद देखे गए हैं। वाह नहीं माँ, तू कब से मंदिर जाने लगी भला? बड़ा क्यों भक्त बनती है? देखिए महादेव जी रहे क्लास पर्वत के वासी, लंबे लंबे बाल रखते हैं मेरी तरह, उनको तो मेरी जरूरत पड़ सकती है। कपड़े तो पहनते नहीं, तुम्हारी क्या जरूरत पड़ेगी? मैं कैसे समझूं कि महादेव जी ने बच्चा तुझे सपने में हंडोर किया था? मेरे सपने में उन्होंने ऐसा कुछ तो कहा नहीं, तुझे वरदान मिला है। ये बच्चा मेरा है और इसे मैं लेकर रहूंगा। ये बच्चा मेरा है, इसे मैं लेकर रहूंगा, सबको बता देता हूँ। देखिए, मेरे रास्ते में किसी ने आने की कोशिश की। देखिए मास्टर जी, बच्चा मेरे को मिलना चाहिए। ये बच्चा मेरा है मास्टर, इसे मुझे दे दो। इसे तुम ये बच्चे का क्या लगते हो? बात जैसे कर रहे हो, बच्चे को खुद पैदा किया हो? पैदा नहीं करने से क्या हुआ? खुद महादेव जी मुझे इसको क्या महादेव महादेव बच्चा मेरे को नहीं इलेक्शन में मुझे चाहिए। क्या ये सुनता नहीं? नहीं मेरा आज मुझे मिलना चाहिए। मेरा है, मेरा मुझे टिकट कैसे मिलेगा? सुनो सुनो, एक बच्चे को इतने सारे लोग कैसे ले पाओगे? सिंपल मैडम, वो बच्चे को टुकड़े टुकड़े करके वे सभी को बांट देंगे। ये बच्चा मेरा है, खुद भोले शंकर भगवान ने मुझे सपने में वरदान प्रदान किया। करो ये राम कहानी। भोलेनाथ जी भोलेनाथ जी, अरे कोई मेरा तो सुनो। पेट में गठरी बांधकर मेरी बीबी कब तक सातवें महीने की ड्रामा करती रहेगी? अच्छा, तो ये है राज सातवें महीने का। हम भी सोचे पांच गांव में किसी को बच्चा कैसे होने वाला है। ए, चल यार तू कोने में चल, कोने में चल। देखिए इस बच्चे की सबसे ज्यादा जरूरत मेरी है। अगले दो वर्ष बाद चुनाव है। बच्चे के आ जाने से पार्टी वालों का ही नहीं बल्कि विरोधियों का भी मुंह बंद हो जाएगा। ये बच्चा बस मुझे दे दीजिए। हाँ, अरे कृष्णा, तेरी नजर तो सबसे पहले पड़ी थी, तो तू क्यों डर रही थी इसे? तो इस बच्चे से बहुत प्यार है, लेकिन मैं क्या करूं? मैं खुद अनाथ बेरोजगार नीचे सो के काम चलाता हूँ। बच्चा मेरे साथ आएगा तो परेशान हो जाएगा। ये सब धनी लोग हैं, इनमें से किसी को अगर मिलेगा तो उसका पालन पोषण अच्छा हो सकता है, तो आपका प्यार भी मिल सकता है। तो फिर फैसला कैसे होगा? मेरे पास एक सुझाव, क्यों ना हम एक लॉटरी निकाल देते हैं। ठीक है, लॉटरी ठीक है, लॉटरी ठीक है। मैं नाम दरिंदों ने एक कुंवारी माँ को चिंता चला दिया था, तो
कब से इस गांव का नाम हो गया था बांझ गांव, और तब से इस गांव में किसी का बच्चा नहीं हुआ। किलकारी क्या होती है? होली है। आज बांझ गांव के लिए शुभ दिन की घड़ी। हो सकता है इस शुभ घड़ी में आए इस नए मेहमान की वजह से हम सभी श्राप मुक्त हो जाएं। इसकी छठी का आयोजन तो मैं बहुत धूमधाम से करूंगा। और गांव का पुराना नाम फिर से वापस आ जाएगा। नया नाम सोचू। नहीं चाहती है मुझे दे दो। अरे ओ खूनी, एक से दाढ़ी तक तो बना नहीं सकता, बच्चा क्या खाक पालेगा। इसे मुझे दे दो मास्टर। अरे तुझे तो मैं एमएलए बना। बच्चे को तुम्हें रख लो मास्टर दीनानाथ, अग्निपथ पर तुम्हारे साथ चलने के काम आएगा। क्या बात है, बच्चे को जो लेता है दिखता है और लौटा देता है, जरूर कोई गड़बड़। पटक ले लो, ले लो। मास्टर जी आप ही रख लीजिए, परमानेंटली रख लीजिए। अच्छा क्या हुआ निर्मा, तूने तो सपना देखा था, बच्चा पाकर खुश हुई थी, फिर लौटा क्यों? मुझे क्या पता था मास्टर जी कि ये लड़की होगी। भोलेनाथ पहले सपने में बता देते तो मैं लेती ही नहीं। अरे निर्मा, तू तो खुद एक औरत है, लड़कियों से घृणा क्यों? घृणा नहीं मास्टर डॉक्टरनी जी, डर तो लगता है शंका से। लड़की ट्यूशन जाए तो लौटने का टेंशन, कॉलेज में जाए तो धमकी का टेंशन, पढ़ाई ना करे तो अपयश लो, पढ़ाई करे तो खतरों से खेलो। लड़कियां कच्चे घड़े के समान होती हैं। बांझ बनना मंजूर है मगर लड़की को घर लेके रोज रोज का मरना नहीं। चल निर्मा, चल चल, मैं सब ले जाऊं। अरे पप्पू, बच्चे को धूप नहीं लेने लगा। मास्टर जी, लड़का होता बुढ़ापे की सहारा होता, ये तो लड़की है। दहेज देना पड़ेगा, दहेज में थोड़े कम हो गया तो आग से जला देंगे, आग से ना झुलसी तेजाब डाल देंगे। और मास्टर जी, कि बेटी बेटा एक समान सिर्फ कहने सुनने के लिए है। अरे ये चुपा लेता राम भरोसे, तू तो बड़ी बड़ी बात कर रहा था, क्यों ना ये बच्चे को लेके अच्छी उदाहरण दे सकता। हाँ वैसे टिकट तो मिल जाती मास्टर जी, मगर मैं कह रहा राजनीति से जुड़ा एक सेवक, अक्सर घर से बाहर रहना पड़ता है, ऊपर से घर के बीमार पत्नी। आजकल की लाइफ स्टाइल देखी, लड़के लड़कियां फेसबुक पर मिलते हैं, फिर पिज्जा हट में फेस टू फेस, उसके बाद दोस्ती और फिर प्यार, कहीं बहला फुसला कर असली एमएमएस बना लेते हैं। यही सब कुछ चल रहा है इस समाज में। कहां तक रोक पाऊंगा इस समय मास्टर जी अपने? नहीं 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 चाहिए मुझे आपत्ति पूरी। आप क्यों लेट लगे से? हाँ हाँ हाँ, घर गया था इसे लेकर, बीबी ने देखा, फिर ये लोग ने जैसे बोले वो भी वही, उन्हें बेटी मंजूर नहीं। तो जब मैं ज्यादा जीती की गुस्सा होके माई के चली गई, तो
आप बोलिए डॉक्टरानी जी, ये उम्र में हम ये बच्चा को लेके क्या करें? कैसे तो क्या मास्टर जी, समाज में बच्चियों का कोई जगह नहीं? क्या ये व्यर्थ है? नहीं, लड़कियां व्यर्थ नहीं, इनके अर्थ को अनर्थ बनाकर इन्हें व्यर्थ की तरह दिखाया जाता है। ये तो सृष्टि के आरंभ से लेकर आज तक रहे हैं। ये शक्ति, श्याम, ममता और प्रेम की अविरल धारा है। इन्हें पांव की चिट्ठी समझने वाले लोग ये नहीं जानते कि आज भी इनको निर्णय लेने की क्षमता है। मैं भी एक अनाथ हूं। शादी नहीं किया, लेकिन आज मैं कहती हूं बच्ची मेरी है, इसकी परवरिश मैं करूंगी, इसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। आप सब सच बोल रहे हैं डॉक्टर जी, हम 29 साल पीछे नहीं जा सकते, फिर से वही कहानी नहीं दोहरा सकते इस मासूम बच्ची के साथ। हाँ वो भी ठीक है, मगर ये हमारे गांव की बच्ची है, इसे आप कैसे ले सकती हैं? तो मुझे दे दीजिए। बोलो क्या बोलते हो भाई लोग? देखिए लॉटरी जो हुआ था सबको पता है, लड़का के लिए हुआ था, ये तो लड़की है। तो फिर क्या करेंगे? अरे लड़की के लिए और एक बार लॉटरी करेंगे। निर्मा की भूमिका में थी श्रीमती सोमा महापात्रा मिश्रा, वाइफ ऑफ सियासी। मास्टर जी की भूमिका में थे प्रताप राव एमए। डॉक्टर शोभा की भूमिका में थी शेफाली पुरोहित, वाइफ ऑफ सेक्रेटरी टू जेएम। सुबुद्धि के किरदार निभा रहे थे किशोर, सीपीओ एडमिनिस्ट्रेशन। कृष्णा की भूमिका में थे हंसराज शर्मा, सीटीएम। बच्चों की भूमिका में थे मिस्टर अमी पड़ीजा, एसपीओ। राम भरोसे की भूमिका में थे डॉक्टर आशुतोष शुक्ला, डिप्टी सीए प्लानिंग। इसकी स्क्रिप्ट लिखी गई थी बाय मिस्टर शशांक राव। इसका हिंदी में अनुवाद किया था श्री हंसराज शर्मा जी ने। म्यूजिक विनय ने दिया था। लाइट, साउंड, मेकअप एंड कॉस्ट्यूम जनता चित्रालय के द्वारा किया गया था। सेट की तैयारी असीम बासु ने की थी और इसके डायरेक्टर थे श्री महेंद्र सतपति जी।